हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ जभय और टुडे टॉपिक इज़ हाउ टू कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक मीटिंग TBM। टूल बॉक्स टॉक मीटिंग का नाम तो सबने सुना हो। जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको टूल बॉक्स टॉक बोलेंगे तो लगेगा कोई बक्सा जिसमें टूल रखते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग बोलते हैं सेफ्टी मीटिंग। सेफ्टी मीटिंग भी कई जगह इसको हमारे काम करने वाले भाई बोलते हैं। तो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग TBM आखिर क्यों ज़रूरी है? हमारे वर्कर काम करने वाले भाई जब घर से आते हैं, अपने रूम से आते हैं, रात में पता नहीं क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ बात किया, उसके घर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है पता नहीं चलता, उनका माइंड भी अलग रहता है। जैसे ही वो काम में आता है तो हम उसको समझाते हैं, बताते हैं, तो उसका पूरा ध्यान अपने काम में आ जाता है, पूरा सतर्क हो जाता है। तो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग अगर सही से हो, इफेक्टिव हो, तो ये काम करने वाले भाई की जान बचाने के लिए काफ़ी सक्षम है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, हाउ टू कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक मीटिंग। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो ट्रेनिंग आउटलाइन है आज का, ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ द टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है टूल बॉक्स टॉक की, हाउ टू कंडक्ट एन इफेक्टिव टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, और साथ में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, टूल एंड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल प्रोसीजर, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। यह एम्प्लॉय को करेंट साइट इशू को बताता है, अवेयर करता है। टूल बॉक्स टॉक हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। टूल बॉक्स टॉक करने से HSE परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, और साथ में अचीव जीरो इंसिडेंट टारगेट ये होता है। यह एक प्रोएक्टिव अप्रोच है एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने का। टूल बॉक्स टॉक से जो अनसेफ एक्ट और कंडीशन है वो पहले से ही एंटिसिपेट होते हैं, हम उसकी भविष्यवाणी कर लेते हैं क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट करते हैं और टेक एक्शन लेते हैं ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टूल बॉक्स टॉक मीटिंग। टूल बॉक्स टॉक का इम्पोर्टेंट यही होता है, टूल बॉक्स टॉक का इम्पोर्टेंट होता है कि अगर किसी आदमी को हम काम पे रख रहे हैं तो उसको बताना जरूरी है कि हमारा इंटेंशन क्या है, किस तरह से कंपनी काम करने देना चाहती है आपको, तो वो तरीका जो है उनको कम्युनिकेट किया जाता है जिससे कि एक्सीडेंट नहीं होता है। और टूल बॉक्स टॉक मीटिंग एक कम्युनिकेशन टूल है जिसके चलते साइट पे कम्युनिकेशन हो पाता है, सबको इकट्ठा करके एक जगह बात कर पाता आदमी कर पाता है। अगर ये नहीं हो तो बात करना भी मुश्किल हो जाए। टूल बॉक्स टॉक में ये बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स। टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कि जितने भी लोग वहाँ पे उसमें काम कर रहे हैं उस ग्रुप में, गैंग में, उनको सबको उसमें समझा देता है कि आज का क्या काम है, कौन कौन से टूल्स और मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से काम में रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या PPE रिक्वायरमेंट्स है, और इसके जो भी हैजर्ड्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जो भी रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं, उसके क्या कंट्रोल मेजर्स हैं। और साथ में ये भी अवेयर करता है कि सारे लोग जब काम करने जाएं तो पहले सेफ्टी के बारे में सोचें। तो आइए अब जानते हैं टूल बॉक्स टॉक की रिक्वायरमेंट क्या है। तो टूल बॉक्स टॉक की रिक्वायरमेंट है पहला कि जब भी काम स्टार्ट करने जाना हो, यानी कि स्टार्ट ऑफ द जॉब, एवरी डे टूल बॉक्स टॉक मीटिंग शुड बी कंडक्टेड। सेकेंड वन, ऑल द सेक्शन मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट, लाइक सुपरवाइजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, जो भी वहाँ के सेक्शन मेंबर है सब रहेंगे वहाँ पे। उसके बाद मेंशन द टॉपिक्स ऑफ द टूल बॉक्स, एक टॉपिक मेंशन करें और उसको डिस्कस करें। रीड एंड एक्सप्लेन टू ऑल द अटेंडीज, सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अटेंडीज है टूल बॉक्स टॉक के, जितने आसपास खड़े हुए हैं सारे लोग, उनको सबको बताना है। साइट इंस्टेंसेस वेयर नेसेसरी, जहाँ भी कहीं ज़रूरत हो उसको बताएं, समझाएं। और आस्क एनी आंसर क्वेश्चंस इफ एनी, जो भी लोग हैं अगर कोई क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें बताइए, समझाइए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और अगला रिक्वायरमेंट है, ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द जॉब मस्ट बी टॉक्ड अबाउट, जितने भी स्टेप्स से काम करने में उनको सबको बताना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, द जॉब हैजार्ड मस्ट बी एक्सपोज्ड एंड कंट्रोल मेजर डिस्कस्ड होना चाहिए, जो भी हैजार्ड और कंट्रोल मेजर हैं। और काम शुरू होने से पहले जो सुपरवाइजर है, जो फोरमैन है, जो क्रू लीडर है, वो उनको समझाना चाहिए, अपने लोगों को, एवरीवन को जो उस गैंग में है, कि उनसे क्या किस तरह से काम चाहती है कंपनी, किस तरह से ये काम को करना है, और क्या रिक्वायर्ड है टूल्स, क्या हैजार्ड इन्वॉल्व हैं, क्या कंट्रोल मेजर हैं, और क्या PPE रिक्वायर्ड है। और जो लोग भी वहाँ पे काम करेंगे वो एक अटेंडेंस शीट पे साइन करेंगे, कंफर्म करेंगे कि मैंने सारी चीज़ समझ लिया, अटेंडेंस पे साइन होगी। तो आखिर टूल बॉक्स टॉक कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जो उस ग्रुप का इंचार्ज है वही टूल बॉक्स टॉक करवाएगा,
यानी कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन दैट इज इन चार्ज ऑफ द ग्रुप टू कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक मीटिंग. द साइज ऑफ द ग्रुप डज नॉट मैटर, इट कुड बी द मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन, क्रू लीडर, कोई भी हो सकता. तो ये पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी इनके ऊपर है. अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक मीटिंग. फर्स्ट आपको करना है डिस्कस अबाउट द जॉब एक्टिविटीज, आज क्या जॉब एक्टिविटी होने वाला है. मेंशन द डिफरेंट जॉब स्टेजेस, टॉक अबाउट द टूल एंड मटेरियल, आर दे इन गुड कंडीशन और नॉट, ये चेक करना है. टॉक अबाउट हैजार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द स्टेज. मेंशन द कंट्रोल मेजर, कंट्रोल मेजर को ही बताना है. मेंशन द पीपी रिक्वायरमेंट फॉर द टास्क, ये भी बताना है. कंसीडर द जॉब गोइंग ऑन द एरिया, अगर कुछ आसपास में काम हो रहा है उसको भी बताना है कि देखो आपके आसपास में हाइट पे काम होगा, कुछ वेल्डिंग होगा, कुछ कटिंग होगा, जो भी आसपास एक्टिविटी है उसको भी डिस्कस करना है. उसके बाद आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन द मेंबर्स, यानी कि आपको पूछना है बताओ भाई आपने क्या, हम मैंने आपको क्या बताया, क्या सीखा आपने, वो खुद रिप्लाई देंगे. अगर रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो आप खुद पूछिए बताओ मैंने आपको ये बताया, ये कैसे करना है, इस काम को कैसे करना है, इस काम में क्या हैजार्ड है, हैजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए बोलो, तो इसको कैसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ जब उससे डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा कि जो हमने चीज़ें समझाई वो उनके दिमाग में गया कि नहीं. अगर दिमाग में नहीं गया देन हम लोग फिर रिकैप करेंगे, फिर से दोहराएंगे उन चीज़ों को, ताकि जो है वो पूरी तरह से अवेयर हो जाए कि हाँ हमको क्या करना है. अब इसके बाद जैसे कि दिखा है मेंशन द पीपी रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क, तो पीपी क्या होनी चाहिए, यानी कि व्हेन द हैजार्ड कांट बी एलिमिनेटेड प्रोवाइड एंड इंश्योर द यूज़ ऑफ पीपी, लाइक हियरिंग प्रोटेक्शन देना है, स्किन प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स देते हैं, ओवरऑल देते हैं, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के लिए डस्ट मास्क वगैरह देते हैं, फॉल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैनयार्ड देते हैं, फॉल रेस्टर देते हैं, उसके बाद फायर प्रिवेंशन के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट वगैरह देते हैं, और आई प्रोटेक्शन के लिए हम लोग गोगल्स, स्पेक्टिकल्स देते हैं जिससे कि उनका प्रोटेक्शन होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. अब टूल एंड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन करना होता है. हम बताएंगे काम करने से पहले हम लोग टूल बॉक्स टॉक में बताते हैं कि आप अपना टूल और इक्विपमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है उसको पता करिए, और इसके इंस्पेक्शन के बारे में भी हम लोग बताते हैं. यानी कि इंस्पेक्ट ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट, इंश्योर यूज़ ऑफ राइट टूल फॉर द जॉब. तो ये इंस्पेक्ट भी करना है और राइट टूल टू द जॉब भी होना चाहिए. और डोंट यूज़ होममेड टूल्स, हाथ से बना हुआ स्टैंडर्ड टूल्स को यूज़ करें, हाथ से बना यूज ना करें. और अगर टूल को यूज़ कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, इज़ द टूल राइट फॉर द जॉब, इज़ द टूल यूज करेक्टली, इज द टूल इन ए सेफ कंडीशन. तो ये सब चीज़ें पूछना चाहिए. अगर ये हाँ है तो आप टूल को यूज़ कर सकते, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये होममेड टूल है और इसको यूज़ नहीं करना चाहिए. अब हमने बताया कि हैजार्ड रिकॉग्निशन करना है, तो हैजार्ड रिकॉग्निशन कैसे करना है, तो अपने लोगों से पूछना है जब टूल बॉक्स टॉक होगा कि व्हाट आर द हैजार्ड, क्या खतरे हैं, आप पूछिए उनसे. उसके बाद क्या पूछेंगे आप, आर ऑल हैजार्ड आइडेंटिफाई रिड्यूस्ड, उनसे पूछिए क्या सारे खतरे पता हो गए, उनको रिड्यूस किया गया है और टोटली एलिमिनेटेड हुआ है, नहीं हुआ है तो व्हाट माइट गो रॉन्ग इन द ऑपरेशन, जब हम काम करेंगे क्या गलत हो सकता है. तो उन सब चीज़ों के बारे में जब उनसे पूछेंगे ना, वो बताएंगे, फिर हम अपना इनपुट देंगे, तो क्या होगा उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना. एवरी जॉब हैज सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी काम हम करेंगे साइट पे उसका एक SOP होना चाहिए कैसे करना है, और वो चीज़ भी टूल बॉक्स टॉक में इंक्लूड करना होता है. इज़ द प्रोसीजर नोन बाय द ट्रेनिंग, इज़ द प्रोसीजर एडिक्वेट फॉर द टास्क, कभी कभी प्रोसीजर जो है गलत भी होता है, ये भी हो सकता है. इफ़ नॉट इज़ इट रिव्यूड अकॉर्डिंगली, क्या रिव्यू इसका हुआ है. उसके बाद इज़ द प्रोसीजर फॉलोड, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं. इज़ द प्रोसीजर रीइन्फोर्स्ड बाय द सुपरवाइजर्स गुड एग्जांपल्स, सुपरवाइजर क्या फॉलो करवा रहे हैं. ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस व्हेन इन डाउट टू क्लेरिफाई आवर अंडरस्टैंडिंग, अगर कुछ भी होता है तो इसको पूछना चाहिए. तो टूल बॉक्स टॉक एक कम्युनिकेशन का टूल था जिसमें हम लोग सारे चीज़ें बताते हैं. आइडियली टूल बॉक्स टॉक जो है 10 to 15 minutes के लिए किया जाता है ताकि हर दिन सेफ हो सके. तो समरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द टूल फॉर द इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन. अगर हम लोग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो इस टूल बॉक्स टॉक का कोई मतलब नहीं है. बहुत सारे लोग जब इन्फोर्स किया जाता है तो टूल बॉक्स टॉक के लिए क्या करते हैं, बस खड़ा करते हैं लोगों को, एक पिक्चर लेते हैं और उसके बाद जो है हो गया टूल बॉक्स टॉक, अटेंडेंस लेते हैं. लेकिन जो
जिस काम के लिए टूल बॉक्स टॉक बना था, यानी कि हम लोगों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, हर दिन के लोगों को अवेयर करने के लिए, आज उस दिन के कामों के बारे में, उनके बारे में जानना, उनका राय समझना, कैसे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें, अगर वो चीज़ें नहीं होती है जो मैंने बताया कि टूल बॉक्स टॉक कैसे करना चाहिए, तो फिर टूल बॉक्स टॉक जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। अगर नहीं होता है टूल बॉक्स टॉक, आप समझ रहे हैं, अगर 20 लोग 15 मिनट के लिए खड़े हो रहे हैं तो कितने पैसे की बर्बादी है, और एक्सीडेंट भी नहीं रुकने वाला अगर हम लोग इफेक्टिव तरीके से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो आई होप जो है आप समझ गए होंगे कि टूल बॉक्स टॉक क्या इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।